20 तारीख को संध्या में जानकारी मिली थी कि एक बस से कुछ लोग अफीम को लेके जा रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया था जिसने छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम लोग लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, उसी में उसी क्रम में ये उपलब्धि है, और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि ये लोग किससे लेकर आ रहे थे, किसको सप्लाई करने की बात हो रही है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी के बाद औरंगाबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6.5 किलो नशीला पदार्थ अफीम बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में मैनेजमेंट का एक छात्र भी शामिल है। 20 तारीख को संध्या में जानकारी मिली थी कि एक बस से कुछ लोग अफीम को लेके जा रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया था जिसने छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जिनके पास से करीब 6.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुआ है। 3 किलोग्राम गीला अफीम है और 3.5 किलोग्राम सूखा अफीम बताया जा रहा है। इनके पास 3 मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है राजू कुमार सिंह जिला गया से, सुजीत यादव थाना की धौर जिला चतरा से, और अखिलेश कुमार यादव थाना लावालौंग जिला चतरा। ये सभी लोग इसको लेके दिल्ली की ओर जा रहे थे, और हम लोग लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, उसी क्रम में ये उपलब्धि है, और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि ये लोग किससे लेकर आ रहे थे, किसको सप्लाई करने की बात हो रही है। इसमें से एक जो लड़का है वो अपने आप को बता रहा है कि वो मैनेजमेंट का विद्यार्थी है, किसी कॉलेज में किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये लोग सप्लाई कर रहे हैं या किसको ये देने जा रहे थे। तो नशे के विरुद्ध ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और इसमें हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। सूचना जो थी वो गुप्त थी या? हाँ, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि औरंगाबाद मुफस्सिल थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा की ओर से आ रही एक निजी बस में 3 तस्कर अफीम लेकर जा रहे हैं। सूचना पर औरंगाबाद नगर और मुफस्सिल थाना की पुलिस टीम ने मंजुराही मोड़ के पास घेराबंदी कर वाहन चेकिंग अभियान आरम्भ कर दिया। इसी दौरान बस की तलाशी लेने के लिए रोका गया। बस के रुकते ही 3 युवक पुलिस को देखते ही वाहन से उतरकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। औरंगाबाद से बोलता बिहार के लिए किशोर प्रियदर्शी की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।